हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रजनी फ्रॉम कुमार्स एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिंदी चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 4 लव कुश। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कहानी किस पर आधारित है और लव कुश कौन है। ये कहानी जो है रामायण पर आधारित है और लव कुश जो है महाराजा रामचंद्र जी के पुत्र थे। इस कहानी में उनके शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे, तभी आपको लेसन आराम से समझ में आ जाएगा। आनंद, आनंद का अर्थ होता है खुशी। निमंत्रण, निमंत्रण का होता है अर्थ होता है बुलावा, यानी किसी को आमंत्रित करना। पराक्रमी, पराक्रमी का अर्थ होता है वीर। साहस, साहस का अर्थ होता है हिम्मत। विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। परास्त, परास्त का अर्थ होता है पराजित, यानी किसी को हराना। अहंकार, अहंकार का अर्थ होता है घमंड। क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है माफ़ी। अब हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि लव कुश की जो कहानी है किस पर आधारित है और इसमें क्या है। श्री राम के दो पुत्र थे लव और कुश। एक दिन वो आश्रम में घूम रहे थे। दोनों भाइयों ने एक घोड़े को देखा। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि ये घोड़ा कितना सुंदर है, आओ इसे पकड़ते हैं। वो उसे पकड़कर उस पर सवारी करते हैं। घोड़े पर एक सोने का छत्र होता है। पीठ पर लाल और सुनहरे रंग के कपड़े थे और उसके माथे पर एक सोने का पत्र भी लगा था। वो घोड़े को देख रहे होते हैं, तभी कुछ सैनिक भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि इस घोड़े को मत पकड़ो, यह बच्चों के खेलने का घोड़ा नहीं है, यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तभी लव कहता है कि हम इसे क्यों ना पकड़ें, इसे हम अपने आश्रम में ही रखेंगे। तभी सैनिक कहता है कि यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का है। इस घोड़े को पकड़ने का मतलब है, यानी इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करना। तुम दोनों इस घोड़े को छोड़ दो। तभी लव कुश कहते हैं कि हम युद्ध से नहीं डरते, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इतना सुनते ही सैनिक भागे भागे श्री रामचंद्र जी के भाई शत्रुघ्न के पास जाते हैं और सारा समाचार देते हैं। समाचार सुनकर शत्रुघ्न, जो राम जी के भाई हैं छोटे, वो वहाँ आते हैं। तभी दोनों भाई उनको कहते हैं कि क्या आप राजा राम हैं? तो शत्रुघ्न कहते हैं कि नहीं, मैं उनका छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। आप छोटे बालक हो, इस घोड़े को छोड़ दो। तभी दोनों भाई कहते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही शत्रुघ्न कहते हैं कि आप मुझे युद्ध के लिए मजबूर कर रहे हो। लव और कुश और शत्रुघ्न में युद्ध होता है। तीर लगने से शत्रुघ्न बेहोश हो जाते हैं। कुछ सैनिक श्री राम को संदेश देने के भाग जाते हैं। पहले लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी आते हैं। लव कुश सभी को हरा देते हैं। बाद में श्री राम घोड़े को छुड़वाने आते हैं। उन्हें देखते ही लव कुश कहते हैं कि लगता है भैया यह महाराजा राम हैं, आज उनसे भी मिल लेते हैं। श्री राम लव कुश के पास आ जाते हैं। तभी लव कहता है कि क्या आप श्री राम हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी माता सीता को घर से निकाल दिया था। राम जी कहते हैं कि हाँ मैं ही राम हूँ, लेकिन तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और यह यज्ञ का घोड़ा आपने किस लिए पकड़ा है। तभी दोनों भाई कहते हैं कि हम श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, हमें यह घोड़ा बहुत अच्छा लगा और इसके माथे पर लगी चेतावनी को हमने पढ़ा और इसलिए इसे पकड़ा है क्योंकि इसमें अहंकार झलक रहा है। तभी श्री राम कहते हैं कि ऋषि पुत्रो, यह यज्ञ का घोड़ा है, तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो मुझे बिना मतलब ही तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। तुम अपना जीवन जो है खतरे में मत डालो, इस घोड़े को आज़ाद कर दो। इतने में आश्रम में गुरु वाल्मीकि को किसी शिष्य ने बताया कि महाराज राम आश्रम में आए हुए हैं और लव कुश उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। माता सीता को भी श्री राम के आने का पता चल जाता है और दोनों युद्ध के स्थान पर पहुंचते हैं। गुरु वाल्मीकि, जो लव कुश के गुरु हैं, वो उनको कहते हैं कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो,
यह जो है हमारे राजा हैं। राजा जो है पिता समान होता है। तभी लव कहता है कि गुरुदेव, हमने जो है यह घोड़े को पकड़ा है और इसके माथे पर लिखा हुआ था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे श्री राम के साथ युद्ध करना होगा। और जैसा कि आपने हमें पढ़ाया है कि क्षत्रिय को युद्ध से नहीं भागना चाहिए। तभी गुरुदेव श्री राम जी को बताते हैं कि लव कुश आपके और देवी सीता के ही पुत्र हैं, इसलिए यह जो है क्षत्रिय हैं। गुरुदेव लव कुश से कहते हैं कि ये पुत्रों, श्री राम जो हैं आपके पिताजी हैं, आप इस घोड़े को छोड़ दो ताकि श्री राम जी इसको अपने साथ ले जाएं और अपना अश्वमेघ यज्ञ को पूरा करें। लव कुश श्री राम जी को प्रणाम करते हैं और घोड़े को छोड़कर अपनी भूल के लिए श्री राम से माफ़ी मांगते हैं। इस कहानी में लव और कुश की बहादुरी का वर्णन है। उसी तरह आपको भी, सभी बच्चों को बहादुर बनना चाहिए और अपनी मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.